आपको ये बताया गया कि वेग क्या होगा। बच्चों कल्पना कीजिए कि अगर कोई वस्तु का वेग समय के साथ अपरिवर्तित हो तो हम कहते हैं कि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, परंतु यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ लगातार परिवर्तित हो रहा हो तो हम कहते हैं कि वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो गया है। बच्चों आज का विषय वस्तु इसी बिंदु पर आधारित है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे औसत त्वरण के बारे में, जिसे हम एवरेज एक्सेलरेशन भी कहते हैं। बच्चों किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन एवं समयांतराल के अनुपात को औसत त्वरण के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो समय t1 पर उसका वेग v1 है और उस समय पश्चात t2 समय पर उसका वेग v2 होता जाता है, और इसका फार्मूला होगा वेग परिवर्तन के लिए हम लिखेंगे डेल्टा वी और समय अंतराल के लिए लिखेंगे डेल्टा टी। वेग परिवर्तन जैसा कि अभी भी बताया v2 माइनस v1 होगा, समय अंतराल t2 माइनस t1 होगा। बच्चों इस सूत्र को देखकर हम इसके मात्रक को निकाल सकते हैं, और इसका SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है? क्योंकि त्वरण का त्वरण के सूत्र में त्वरण वेग पर निर्भर कर रहा है, और वेग आपको बताया जा चुका है कि यह एक सदिश राशि है, अर्थात त्वरण भी एक सदिश राशि होगी। इसे व्यक्त करने के लिए हमें दिशा के साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी। परिभाषित करते हैं उस समयांतराल और तो औसत त्वरण के द्वारा हमें ये नहीं पता चल पाता कि उस समयांतराल में दिए गए समयांतराल में के भिन्न भिन्न क्षणों पर वस्तु का वेग परिवर्तन का दर क्या है। अर्थात किसी क्षण विशेष पर अगर हमें त्वरण ज्ञात करना हो तो इसके लिए हम एक नए भौतिक राशि को परिभाषित करेंगे जिसका नाम होगा क्षणिक त्वरण। ये क्या है? इसकी परिभाषा ठीक वैसे ही निकाली जाएगी जैसे ताक्षणिक वेग की परिभाषा निकाली गई थी। जो यदि समयांतराल बहुत ही सूक्ष्म जैसे आप स्मॉल कहते हैं, तो औसत त्वरण के सीमांत मान को ताक्षणिक त्वरण या केवल त्वरण कहते हैं। बच्चों ये देख लीजिए, ये बार आप जानते हैं औसत त्वरण है। अगर जिस समयांतराल के लिए यह औसत त्वरण परिभाषित किया गया है उस समयांतराल को अगर शून्य की ओर अग्रसर कराया जाए तो उसके औसत त्वरण के सीमांत मान को भी ताक्षणिक त्वरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ ए बार का फार्मूला आप डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, और आपको पिछले लेक्चर में अवकल गणित की परिभाषा में आपको बताया गया कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को डीवी बाई डीटी भी लिखा जा सकता है। बच्चों वेग वी को आप डीएक्स बाई डीटी लिख सकते हैं इस तरह से डीटी ऑफ डीएक्स बाई डीटी, और फाइनली आप इसे लिखेंगे d2x ओवर dt2। ये इस तरह से जो ताक्षणिक त्वरण का सूत्र है वो dv by dt के रूप में भी हो सकता है और इस रूप में भी हो सकता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक वक्र मिला है, ये वक्र ही यहाँ पर वीटी ग्राफ है। इस वक्र पे बच्चों हम दो बिंदु चुन लेते हैं, बिंदु P और बिंदु Q। बिंदु P से हम समय अक्ष और वेग अक्ष पर लंब गिराते हैं,
जिससे बिंदु P के सापेक्ष हमें समय का मान T प्राप्त होता है, बिंदु P के सापेक्ष वेग का मान V प्राप्त होता है, बिंदु Q के से भी समय अक्ष और वेग अक्ष पर लंब गिराएंगे तो बिंदु Q के सापेक्ष समय होगा T प्लस डेल्टा T और V प्लस डेल्टा V। बिंदु P से जाने वाली रेखा को थोड़ा आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, यह बिंदु R पर मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए बिंदु R पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब आप बिंदु P और बिंदु Q को एक दूसरे से मिला दीजिए। इस प्रकार आप देख रहे हैं बच्चों कि आपको एक सरल रेखा PQ मिल रही है। इस सरल रेखा PQ का आप झुकाव देख लीजिए, एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा जिस पर कि समय ड्रॉ किया गया है, मान लीजिए ये झुकाव अल्फा है। इस प्रकार से हमारे पास एक त्रिभुज बन जाता है QPR। इस त्रिभुज में जो QR की वैल्यू है आप चित्र के अनुसार देख सकते हैं, ये होगा डेल्टा V और PR की वैल्यू होगी डेल्टा T। अगर हम इस सरल रेखा PQ का ढाल याद करें तो ढाल का सूत्र होगा tan अल्फा, जहां अल्फा क्या है, झुकाव है। तो P तथा Q को मिलाने वाली सरल रेखा का ढाल tan अल्फा होगा और इस tan अल्फा का जो फार्मूला होगा वो लंब बटे आधार होगा। लंब देखिए डेल्टा भी है और आधार डेल्टा T है। इस तरह से डेल्टा V बाई डेल्टा T हमें मिल जाता है। और अभी अभी आपको बताया गया कि ये डेल्टा V बाई डेल्टा T और P तथा Q के बीच का औसत त्वरण ही तो है। तो इस कैलकुलेशन को करने के बाद हम एक नतीजे पे पहुंचे हैं। नतीजा ये है, इसे ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई वीटी ग्राफ मिला हुआ है। वीटी ग्राफ पर कोई दो बिंदु आप चुन लीजिए, उन दो बिंदुओं को मिलाइए जिससे आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। उस सरल रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए, ढाल का जो मान आपको प्राप्त होगा वही उन दो बिंदुओं के बीच का औसत त्वरण होगा। परंतु बच्चों अगर कोई व्यक्ति यह चाहे कि औसत त्वरण का मान बिंदु P और Q के बीच में न निकाल करके वो किसी बिंदु विशेष पर त्वरण का मान ज्ञात करना चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम बिंदु P पर त्वरण का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें इस बिंदु Q को धीरे धीरे वक्र के अनुदेश बिंदु P की ओर अग्रसर कराना होगा। जैसे हम ये काम करेंगे डेल्टा T का मान शून्य की ओर अग्रसर होगा और डेल्टा V का मान भी शून्य की ओर अग्रसर होगा। आइए देखें। तो मान लीजिए बिंदु Q यहाँ आ जाता है, तो जैसे जैसे बिंदु Q वक्र के अनुदेश P की ओर बढ़ता जा रहा है, जो सरल रेखा PQ था उसका ढाल भी लगातार परिवर्तित होता जा रहा है और अंततोगत्वा यह सरल रेखा PQ बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा बन जाएगा, जैसा कि आपको अगले चित्र में दिखाया जा रहा है। यह सरल रेखा PQ बिंदु P पर स्पर्श रेखा बन गया है। अब इस स्पर्श रेखा का झुकाव मान लीजिए x एक्सिस की धनात्मक दिशा से थीटा है और अगर हम इसका इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात करना चाहें तो इसका सूत्र होगा tan थीटा, जहां थीटा झुकाव है। और यह फार्मूला होगा इसका लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा V / डेल्टा T इज इक्वल टू dV / dt। बच्चों इस इक्वेशन की व्याख्या हमने पिछले लेक्चर में अवकल गणित की व्याख्या के दौरान आपको किया था, अर्थात जैसे जैसे समय अंतराल का मान शून्य की ओर अग्रसर होगा डेल्टा वाई डेल्टा वी बाई डेल्टा टी के सीमांत मान को ही हम तात्क्षणिक त्वरण के नाम से व्यक्त करेंगे और इसका फार्मूला हो जाएगा डीवी बाई डीटी और डीवी बाई डीटी को ही तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तो इस कैलकुलेशन से हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला बच्चों कि यदि आपको कोई वीटी ग्राफ मालूम हो, उस वीटी ग्राफ के किसी बिंदु पर आप त्वरण ज्ञात करना चाहते हो,
उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, स्पर्श रेखा का झुकाव ज्ञात कीजिए और तत्पश्चात आप उसका स्लोप निकालिए। जो स्पर्श रेखा का जो ढाल आपको प्राप्त होगा वही उस बिंदु पर त्वरक का मान होगा। अब हम बात करेंगे एक्सटी ग्राफ के द्वारा त्वरण का निर्धारण। इसको हम सबसे पहला हिस्सा देखिए, जब त्वरण धनात्मक है, यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर समय ड्रॉ किया गया है, वाई एक्सिस पर वस्तु की स्थिति ड्रॉ की गई है और आपको एक एक्सटी ग्राफ इस प्रकार से मिला है। ये ग्राफ आपको उस स्थिति में मिलेगा जब त्वरण धनात्मक होगा। इसको जरा सा इसका हम विश्लेषण देख लेते हैं। बच्चों, इस वक्र पे आप तीन बिंदु चुन लीजिए, बिंदु एक, बिंदु दो और बिंदु तीन। बिंदु एक पर आप स्पर्श रेखा खींचिए। आप देख रहे हैं बिंदु एक पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल ऋणात्मक है। बिंदु दो पर स्पर्श रेखा खींची, बिंदु दो पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल शून्य है और बिंदु तीन पर भी आप स्पर्श रेखा खींचिए। आप पा रहे हैं कि बिंदु तीन पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल धनात्मक है। तो और आपको यह भी बताया गया है कि एक्सटी ग्राफ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल वेग को व्यक्त करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर वेग ऋणात्मक है, यहाँ पर वेग शून्य है और यहाँ पर वेग धनात्मक है। तो अगर आप ध्यान दें बच्चों, तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वस्तु का वेग इस वक्र के अनुदिश भी बढ़ता चला जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि डी डी टी ऑफ डी एक्स डी टी इज ग्रेटर देन जीरो। ये तभी संभव है जब डी एक्स डी टी का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव हो। इसका मतलब इसी को त्वरण के नाम से भी जानते हैं। ये इसका मतलब ये हुआ कि त्वरण यहाँ पर धनात्मक होगा। इसकी एक पहचान देख लीजिए, अगर एक्सटी ग्राफ ऊपर की ओर वक्रित हो तो आप सहज कह सकते हैं कि त्वरण का मान धनात्मक होगा। दूसरा इसका आप बिंदु देख लीजिए, जब त्वरण का मान ऋणात्मक है, इस बार देखिए जो एक्सटी ग्राफ है वो नीचे की ओर वक्रित है। इस पर पिछले बार की तरह कैलकुलेशंस करते हैं, यहाँ एक बिंदु एक, यहाँ बिंदु दो और यहाँ बिंदु तीन चुन लेते हैं। बिंदु एक पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, बिंदु दो पर स्पर्श रेखा खींचते हैं और बिंदु तीन पर भी स्पर्श रेखा खींचते हैं। बिंदु एक पर इस खींची गई स्पर्श रेखा धनात्मक है, अर्थात वेग यहाँ धनात्मक है। बिंदु दो पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु एक पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल धनात्मक है, अर्थात यहाँ वेग धनात्मक है। बिंदु दो पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल शून्य है, अर्थात वेग यहाँ शून्य है और बिंदु तीन पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल ऋणात्मक है, अर्थात वेग ऋणात्मक है। तो यहाँ पर वेग धनात्मक, फिर शून्य और फिर ऋणात्मक हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे समय का मान बढ़ रहा है इस वक्र के अनुदिश वस्तु इस वक्र के अनुदिश जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वस्तु का वेग घट रहा है। इसका अर्थ ये हुआ dt dx by dt less than zero, और इसे आप त्वरण के नाम से भी जानते हैं, इसे आप बोलते हैं a less than zero। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर एक्सटी ग्राफ नीचे की ओर वक्रित हो तो त्वरण का मान ऋणात्मक होगा। तीसरी स्थिति देखेंगे, त्वरण का मान शून्य हो, इसमें भी हम तीन बिंदु चुन लेते हैं, एक, दो और फिर तीन। इन तीनों बिंदुओं पर अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचें और उनके ढाल ज्ञात करें तो आप पाते हैं कि उनके ढाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि बिंदु एक पर, बिंदु दो पर और बिंदु तीन पर वेग के मान में कोई परिवर्तन
नहीं हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इन बिंदुओं पर वेग के मान में कोई परिवर्तन, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो आप लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ dx by dt is equal to 0, अर्थात acceleration की वैल्यू 0। तो xt ग्राफ अगर आपको एक सरल रेखा प्राप्त हो बच्चों, तो आप कह सकते हैं कि इसमें वस्तु का त्वरण का मान शून्य होगा। जिसमें एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का vt ग्राफ। इस बार अब जो हम जिस त्वरण की व्याख्या करेंगे वो समय के साथ अपरिवर्तित रहेगा, अतः त्वरण का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। तो हम इसे क्या कहेंगे? एक समान त्वरण। इसको भी हम कई बिंदुओं में अध्ययन करते हैं। पहला, जब वस्तु धनात्मक दिशा में और धनात्मक त्वरण से गतिमान हो। तो यहाँ पर आपको देखिए, इसके लिए एक vt ग्राफ प्राप्त हुआ है। x एक्सिस पर समय खींचा गया है, y एक्सिस पर वेग है। ये ग्राफ देखिए बच्चों, यदि इस ग्राफ के किसी भी बिंदु से वेग अक्ष पर हम लंब गिराए तो हमें वेग का धनात्मक मान ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि वेग का मान धनात्मक होगा। दूसरी तरफ यदि इस vt ग्राफ का हम ढाल ज्ञात करें तो आप पा रहे हैं vt ग्राफ का ढाल धनात्मक है, अर्थात एक्सेलरेशन का मान भी धनात्मक होगा। अब इसकी भौतिक स्थिति बच्चों देख लीजिए। मान लीजिए कि ये x एक्सिस है, ये मूल बिंदु है और ये यहाँ पर मान लीजिए t इज इक्वल टू जीरो पर जो वस्तु का वेग है वो v नॉट है। मान लीजिए कि यह वस्तु, इस वस्तु के स्थान पर कोई कार है जो t इज इक्वल टू जीरो पर उसका वेग v नॉट है, और यह वस्तु यदि इसका वेग धनात्मक है, इसका अर्थ यह हुआ कि x एक्सिस के इसकी दिशा, इसके वेग की दिशा x एक्सिस के धनात्मक दिशा की ओर है, और इसमें जो त्वरण उत्पन्न हुआ है वो भी x एक्सिस के धनात्मक दिशा में ही है। बच्चों यदि त्वरण और वेग दोनों एक ही दिशा में हो, इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु की चाल उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। दूसरी स्थिति देखिए, जब वस्तु धनात्मक दिशा में परंतु ऋणात्मक त्वरण से गतिमान हो। आप ये ग्राफ देख लीजिए, यहाँ पर आप मान लीजिए कि वस्तु का वेग v नॉट है t इज इक्वल टू जीरो पर। यदि इस vt वक्र के किसी भी वेग अक्ष पर लंब गिराए तो हमें वेग का धनात्मक मान ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि वेग धनात्मक है। और यदि हम इस vt वक्र का ढाल निकालें तो आप देख लीजिए इसका ढाल ऋणात्मक है, अर्थात त्वरण का मान ऋणात्मक होगा। अब इसकी जो भौतिक स्थिति देख लीजिए, मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर t इज इक्वल टू जीरो मान लीजिए, वस्तु के रूप में कार है, t इज इक्वल टू जीरो पर वस्तु का वेग v नॉट है, और चूंकि वस्तु का वेग धनात्मक है इसका मतलब यह कार x एक्सिस के धनात्मक दिशा में गतिमान है, और इसका त्वरण ऋणात्मक है। इसका मतलब कि वस्तु पर जो त्वरण है उसकी दिशा x एक्सिस के ऋणात्मक दिशा में है। अब आप देखिए कि वस्तु के वेग की दिशा x एक्सिस के धनात्मक दिशा में है और त्वरण x एक्सिस के ऋणात्मक दिशा में है। वेग और त्वरण दोनों भी विपरीत दिशाओं में है। इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु x एक्सिस के धनात्मक दिशा में जब बढ़ेगी तो उसकी चाल उत्तरोत्तर घटती चली जाएगी। तीसरी स्थिति देखिए, जब वस्तु ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक त्वरण से गतिमान है। ये आप देखिए x एक्सिस है, इस पर समय खींचा गया है, ये y एक्सिस है, ये वेग की धनात्मक दिशा है और ये वेग की ऋणात्मक दिशा है। मान लीजिए
vt = 0 पर वस्तु का वेग v नॉट है। अगर आप इस vt ग्राफ की किसी भी बिंदु से अगर वेग अक्ष पर लंब गिराए तो आपको वेग का ऋणात्मक मान ही मिलेगा, इसका मतलब कि वस्तु का वेग ऋणात्मक है। और यदि इस vt वक्र का हम ढाल ज्ञात करें तो आप पाएंगे कि यह ऋणात्मक है, अर्थात इसके लिए त्वरण भी ऋणात्मक होगा। इसकी भौतिक स्थिति देख लीजिए, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर मान लीजिए t = 0 है, वस्तु के रूप में कार है, मूल बिंदु पर वस्तु का वेग v नॉट है, परंतु इस वस्तु के वेग की दिशा एक्स एक्सिस के ऋणात्मक दिशा में है, इस दिशा में इसका वेग है और एक्स एक्सिस के ऋणात्मक दिशा में ही इसमें त्वरण भी है, और चूंकि वेग और त्वरण दोनों ही एक ही दिशा में है, अर्थात जब ये तार एक्स एक्सिस के ऋणात्मक दिशा में बढ़ेगी तो इसकी चाल उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाएगी। इसको हम दो हिस्से में देखेंगे, t = 0 से लेकर के t1 के बीच में आप देखें तो इसमें 0 से लेकर के t1 के बीच में वस्तु का वेग धनात्मक है, परंतु ढाल अगर आप देखें तो वो ऋणात्मक आ रहा है, अर्थात 0 से लेकर के t1 के बीच में जो त्वरण है वो तो ऋणात्मक है परंतु वेग धनात्मक है, ये हिस्सा हो गया। लेकिन t1 के बाद वस्तु का वेग ऋणात्मक हो जाता है क्योंकि इस vt ग्राफ से अगर हम वेग अक्ष पर लंब गिराएं तो हमें ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है, लेकिन इस vt वक्र का ढाल अभी भी ऋणात्मक है, यानी t1 के बाद वस्तु का वेग तो ऋणात्मक हो जाता है लेकिन त्वरण अभी भी ऋणात्मक ही रहता है। ऐसी स्थिति इसकी भौतिक स्थिति बच्चों देख लीजिए, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये मूल बिंदु है, ये माइनस एक्स है, ये मान लीजिए t1 है, मूल बिंदु पर मान लीजिए t = 0 मान लिया गया है, यहाँ पर वस्तु का वेग v नॉट है, वस्तु x एक्सिस के धनात्मक दिशा में गतिमान है और इसके त्वरण की दिशा x एक्सिस के ऋणात्मक दिशा में है, इस तरह से वस्तु t1 समय तक अपना t1 समय तक गति करता है, इस दौरान वस्तु की चाल निरंतर घटती चली जाती है, t1 टाइम पर देखिए वस्तु का वेग शून्य हो जाता है, अर्थात बिंदु t1 पर वस्तु यहाँ पर कार यहाँ पे रुक जाएगी, वस्तु के वेग की दिशा अब यहाँ से देखिए क्या होने वाला है, यहीं से आपका अपनी दिशा को परिवर्तित कर देगी, अब वस्तु की वेग की दिशा एक्स एक्सिस के ऋणात्मक दिशा में हो जाएगा और त्वरण की दिशा तो पहले से ही एक्स एक्सिस के ऋणात्मक दिशा में था, और इस बार जब वस्तु एक्स एक्सिस के ऋणात्मक दिशा की ओर गति करेगा तो चूंकि वेग और त्वरण दोनों एक ही दिशा में है इसलिए इस बार वस्तु का एक चाल उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। ग्राफिकल एनालिसिस के बाद हम कुछ कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, उन कंक्लूजन को देख लीजिए बच्चों। त्वरण की उत्पत्ति 3 प्रकार से हो सकती है, पहला वेग के परिमाण जिसे आप चाल भी कहते हैं उसमें परिवर्तन के द्वारा, या वस्तु की दिशा में परिवर्तन के द्वारा, या उपरोक्त दोनों के परिवर्तन के द्वारा हम वस्तुओं में त्वरण उत्पन्न कर सकते हैं। दो और कुछ और कंक्लूजन है बच्चों, यदि वेग और त्वरण दोनों धनात्मक हैं तो चाल बढ़ेगा, यदि वेग और त्वरण दोनों ऋणात्मक हैं तो भी चाल बढ़ता है, यदि वेग और त्वरण की दिशाएं विपरीत हैं तो वस्तु की चाल घटने लगती है। अब आते हैं बच्चों एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है किसी कण की एक विमीय सरल आवर्त गति के लिए XT ग्राफ दिखाया गया है, समय t = 0.3 सेकेंड, 1.2 सेकेंड और -1.2 सेकेंड पर कण की स्थिति, वेग और त्वरण के चिन्ह क्या
होंगे, ये हमें ज्ञात करना है। इस जो ग्राफ है उसको जरा देख लीजिए, इस पे x एक्सिस पर समय ड्रॉ किया गया है, y एक्सिस पर कण की स्थिति है। आप देखिए ये t इज इक्वल टू 0 है और t इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन है। बच्चों अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि इस कण की गति t इज इक्वल टू 0 के पहले से हो रही थी। इसको समझने के लिए हम जरा t इज इक्वल टू 0 के भौतिक अर्थ को समझेंगे। इसका अर्थ क्या है बच्चों? t इज इक्वल टू 0 का अर्थ यह होता है कि t इज इक्वल टू 0 वह क्षण होता है जिस क्षण पर प्रेक्षक किसी कण की गति का प्रेक्षण आरंभ करता है। और ऐसा आपको चित्र से दिख रहा है, ग्राफ से दिख रहा है कि t इज इक्वल टू 0 के पहले से ही कण गतिमान है। तो इस प्रकार t इज इक्वल टू -1 सेकेंड का अर्थ ये होगा कि जिस क्षण प्रेक्षक ने गति के मापन अथवा प्रेक्षण का आरंभ किया उसके एक सेकंड पहले का समय। इसी प्रकार अब आइए हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें तीन समय दिए गए हैं, मात्र मैं आपको 1.2 सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी के दो हिस्से आपको स्वयं करने होंगे। देखिए यहाँ पर एक सेकंड है, ये 2 सेकंड है, यहाँ पर कहीं 1.2 सेकंड होगा। 1.2 सेकंड से आप इस पे स्थिति अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचे, आपको एक बिंदु मिलेगा। इस बिंदु से आप स्थिति अक्ष पर लंब डालिए, ये स्थिति अक्ष पर गिरा हुआ लंब आपको उस क्षण कण की स्थिति को बताता है और आप सहज रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति धनात्मक है अर्थात x ग्रेटर देन 0 होगा। यदि इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचे तो आप देख सकते हैं कि स्पर्श रेखा का जो ढाल है वो धनात्मक है अर्थात 1.2 सेकंड पर कण का वेग भी धनात्मक होगा। अब हमें एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। इसके लिए चूंकि यह कण सरल आवर्त गति कर रहा है और सरल आवर्त गति के लिए जो डिफाइनिंग इक्वेशन है वो है एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -x। अब देख लीजिए अगर x पॉजिटिव है तो आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। बच्चों एक्सेलरेशन निकालने का एक और तरीका है, वो आपको मैं अभी अभी चर्चा किया हूँ कि यदि xt ग्राफ नीचे की ओर वक्रित हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है। आप देखें कि 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच के समय अंतराल में xt ग्राफ नीचे की ओर वक्रित है अर्थात एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अब vt ग्राफ के द्वारा जरा हम विस्थापन का निर्धारण देख लेते हैं। बच्चों ये x एक्सिस पे समय ड्रॉ किया गया है, y एक्सिस पर वेग है और कोई वस्तु है जो एक समान वेग से गतिमान है जिसका vt ग्राफ आपको एक सरल रेखा दिखाया गया है। मान लीजिए कि वस्तु का वेग u है। बच्चों बिंदु a के सापेक्ष वस्तु का वेग u है और समय शून्य है। बिंदु b के सापेक्ष भी वस्तु का वेग u है और जबकि समय मान लीजिए t है। अगर आप देखें तो ये जो vt वक्र आपको मिल रहा है और ये जो समय अक्ष मिल रहा है, इन दोनों के बीच जो घिरा क्षेत्रफल है वह आयत का निर्माण कर रहा है। यदि इस आयत OABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो आप लिख सकते हैं AB गुणे OB, जहां AB की वैल्यू T के बराबर होगी, जहां AB गुणे OA, जहां OA की वैल्यू U होगी और AB की वैल्यू T के बराबर होगी। यदि वेग में समय अंतराल का हम गुणा करें तो बच्चों हमें विस्थापन में प्राप्त होता है। इससे हमें पता चलता है कि vt ग्राफ और समय अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो वस्तु के विस्थापन को व्यक्त करता है। अंत में आते हैं बच्चों ग्रीन आर पे, दिखाए गए ग्राफ के लिए किसी उचित भौतिक स्थिति का सुझाव दीजिए। यहाँ पर आपको vt वक्र दिखाया गया है, यहाँ पर आपको at वक्र दिखाया गया है। ये दोनों वक्रों को ध्यान से देखिए और उचित भौतिक स्थिति के बारे में आप यहाँ बताइए। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आज के लेक्चर से आप लाभान्वित हुए होंगे।